छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मामला आधिकारिक तौर पर राजभवन बनाम कांग्रेस का रूप लेता जा रहा है। अब राजभवन के खिलाफ खुलकर कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन के साथ आंदोलन करने की तैयारी में है। अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि सत्ताधारी पार्टी ने ऐसा आंदोलन किया हो, मगर आरक्षण संशोधन विधेयक अटका होने की वजह से ऐसे हालात बन रहे हैं। सोमवार को कांग्रेस भवन में हुई बैठक में बाहर आकर खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐलान किया। उन्होंने राजभवन के अफसरों से विधेयक सलाहकारों के प्रति साफ शब्दों में नाराजगी जाहिर की। सख्त अंदाज में मीडिया से बात करते हुए सीएम भूपेश बघेल की राजभवन के विधिक सलाहकार विधानसभा से भी बड़े हो गए हैं क्या, ऐसा उन्होंने कहा। दरअसल आरक्षण संशोधन विधेयक 2 दिसंबर से राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए अटका हुआ है। कुछ दिन पहले राजभवन की ओर से 10 सवाल भी सरकार से पूछे गए। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा, यह वैधानिक संस्थाओं को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। इसके साथ ही आइए सुनाते हैं सीएम बघेल ने क्या कुछ कहा। और बहुत सारे फैसले लिए हैं, जिसमें हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो 26 जनवरी से शुरू होने वाला है उसके बारे में उन्होंने निर्देश किया है। साथ ही जो आरक्षण का मामला है, जिस प्रकार से राज्यपाल जी लगातार टालने का बहाना ढूंढ रही है, सारे पहली बात तो यह है कि विधानसभा तो जो अधिकार है, विधानसभा में सर्वसम्मति से जो आरक्षण की बिल पारित हुआ है, एक जो विधिक सलाहकार है वो विधानसभा से बड़ा होगा।